गेस गाइस, हम लोग कहाँ पे है? हम लोग अभी स्विट्जरलैंड में, और दिस इज द प्लेस कॉल्ड इंटरलेकन। और ये जो स्ट्रीट पे मैं वॉक कर रहा हूँ, इस स्ट्रीट पे बॉलीवुड की काफी मशहूर फिल्में शूट हुई है। सो इट्स टाइम टू चेक आउट फ्रॉम हॉलीडे इन एक्सप्रेस। और अभी हम लोग हैं लुसर्न में, लुसर्न से हम लोग अभी निकल रहे हैं। एवरीथिंग इज पैक्ड अप, सभी अपने अपनी जगह पे बैठ चुके हैं, सभी ने अपनी कुर्सी की पेटी बांध ली है। सो आज का ट्रिप प्लान थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि अर्णव और फैमिली वो लोग जा रहे हैं एक चॉकलेट फैक्ट्री एक्सप्लोर करने के लिए, और हम लोग जब स्विट्जरलैंड आए हैं तो बॉलीवुड में एक यश चोपड़ा जी का एक पर्टिकुलर स्पेस है, जहाँ पर जगह है जहाँ पर उनका मोनूमेंट है, वो एक्सप्लोर करेंगे। और साथ ही साथ कुछ फिल्मों के जो शूटिंग स्पॉट्स है उसको एक्सप्लोर करेंगे। उसके साथ ही कुछ और भी आइटनरीज है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस टुडेज ब्लॉग। सो वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। दिस इज योर फ्रेंड राज। सो लेट्स हिट द रोड गाइस, एंड आज का एक्सपीरियंस कुछ डिफरेंट होने वाला है। यस, सो वेलकम बैक। सो अभी लुसर्न से निकले हुए हमें करीबन 15 मिनट हो चुके हैं, और हम लोग अभी वी आर ड्राइविंग टूवर्ड्स इटली की तरफ ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन उसमें पहले स्विट्जरलैंड में कुछ ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं जो कि बॉलीवुड के शूटिंग स्पॉट रह चुके हैं, जैसे चांदनी, फिर डीडीएलजे के लिए ज़्यादा फेमस है। हाँ, तो वो सारी जगह एक्सप्लोर करेंगे। वो सारी जगह एक्सप्लोर करने के बाद वहाँ पर हम लोग एक यश चोपड़ा का एक मोनूमेंट है, एक स्टैचू है, तो वो स्टैचू जाके शायद एक्सप्लोर करेंगे। देखते हैं, वो आसपास ही अगर अगर दिख जाएगा, या फिर हम लोग लोकेशन अगर फाउंड आउट कर सकते हैं तो वो एक्सप्लोर करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग वो जगह जो है इंटरलाकेन बोल के जगह, इंटरलाकेन मतलब बॉलीवुड, तो वहाँ की तरफ जा रहे हैं अभी। उसका जो डिस्टेंस है करीबन मेरे ख्याल 109 किलोमीटर है। तो अभी हम लोग फिलहाल तो हम लोग बर्न की तरफ हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, और मतलब जो कि इंटरलॉकिंग से पहले पड़ेगा वहाँ पे एक चार्ज। तो आज का वेदर काफ़ी अच्छा है, टेम्परेचर इज राइट नाउ 7 डिग्री, और ट्रैफिक इज नॉर्मल, व्यू तो ऑसम है। मेरी बीवी अगर कैमरा थोड़ा घुमा देगी तो फिर बर्न है 69 किलोमीटर यहाँ से। अभी ऑसम है, ट्रक जा रहा है, वो जा रहा है, तो मैं क्लाइमेट की बात कर रहा हूँ। और व्यू तो व्यू है, ट्रक तो जाएगा, रोड में ट्रक नहीं जाएगा तो क्या कट जाएगा। बांग्ला वाला ना आंगूर फल टक, जिन जो बंगाली लोग देख रहे हैं उनको पता है आंगूर फल टक, ओई रकम अवस्था है। तो आगे गिए যখন সিনিক ভালো হবে আর ब्यूटीफुल नेचर है कच्चे जाबो, लैंडस्केप भलो हो वो तो जरूर आप लोगों के साथ एक्सप्लोर करूंगा। और हम मेरा चैनल में ना लैंग्वेज का कोई यू नहीं है, कभी मैं नॉर्वेजियन बोलता हूं, इंग्लिश बोलता हूं, मैं हिंदी बोलता हूं, बंगाली बोलता हूं, खिचड़ी लैंग्वेज सबसे अच्छी बात है। तो मैं किसी में भी प्रो नहीं हूं, नहीं कार चलाने में प्रो हूं बस उसमें बहुत ही प्रो, नो डाउट, नहीं तो यहाँ तक नहीं आ सकते थे। तो बाकी की लैंग्वेज का कोई गुमान मत रखना, शिकवा मत रखना, शिकायत मत रखना, समझ आने चाहिए बस। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, और एंजॉय कीजिए, मैं अपनी ड्राइविंग एंजॉय करता हूँ। लुसर्न इंटरलेक लास्ट 4 दिन से बहुत ज्यादा ड्राइव किया है, और बहुत मजा आया है बहुत मजे से ड्राइव किया मैंने, बहुत मजे से। कई बंदे टायर्ड हो गए हैं लेकिन मेरे को मजा आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही चीज में मेरे को थोड़ा इरिटेशन हो जाता है कि ये जब उसको चार्ज करने के लिए बिठाना पड़ता है, उस चार्ज करने में कम से कम हाफ एन आवर 40 मिनट आपको वहाँ पे स्टे करना होता है, वहाँ पे आपका टाइम थोड़ा ज्यादा नहीं। और ऊपर से और एक माइनस चीज जो स्विट्जरलैंड में है, क्योंकि जैसे नॉर्वे बोलो या जर्मनी बोलो, तो वहाँ पे क्या है, जहाँ पे चार्ज करे वहाँ पे खाने पाने पीने का भी सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे नहीं है स्विट्जरलैंड में। मतलब जहाँ पे चार्ज कर रहे हो, तो देखा ना कल एक पार्किंग लॉट में वो चार्जर है, तो मतलब एक टाइम तुम रुको पार्किंग चार्जिंग के लिए, फिर एक टाइम रुको तो खाने के लिए, तो टाइम तो जाएगा। तो वहाँ पे टाइम थोड़ा कंज्यूमिंग है, इसलिए थोड़ा जर्नी लंबी हो जाती है एक्चुअली। यस, सो राइट नाउ हम लोग आगे हैं रूबीगन में, बर्न क्रॉस करने के बाद ही एक टेस्ला सुपर चार्जर। सो यहाँ पे भी हम लोग चार्ज कर रहे हैं, दिखा आ रहा है रूबीगन। वेदर इज क्वाइट ऑसम, टेम्परेचर दिख रहा होगा आप लोगों को +8 है,
स्टिल वी हैव 125 किलोमीटर और टाइमिंग है अभी 11:47। अभी फिलहाल यहाँ पे हम लोग अपना कार चार्ज करते हैं, तो उसके बाद यहाँ से निकलेंगे बॉलीवुड स्पॉट इंटरलेकिन के लिए, और फिर वो एक्सप्लोर करने के बाद फिर हम लोग जाएंगे एक बहुत ही शानदार जगह पे। सो दिस इज द प्लान ऑफ द डे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, बने रहिए ब्लॉग में। सो व्हाइल चार्जिंग इन बर्न, तो हम लोग अभी चार्ज कर रहे हैं गाड़ी को, साथ ही साथ यहाँ पे चल रहा है एक टी ब्रेक। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे इंडियन चाय, और ये आयुष के लिए है हॉट चॉकलेट जिसको बोलते हैं। Cheers guys. Guys, कैसा लग रहा है? Enjoying the views. Stay tuned, और भी बहुत कुछ है आगे। ऊपर देखो कितना पैराग्लाइडिंग हो रहा है, और ये जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में देखना तो पार्किंग चलो। और हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जो ग्राउंड है उसमें सब जाके लैंड हो रहा है, और ये जो रोड देख रहे हो, ये जो स्ट्रीट देख रहे हो, इसमें शूटिंग हो रही है। आई द डेंजरस निका देख, हम लोग कहाँ पे है, हम लोग अभी स्विट्जरलैंड में, और दिस इज द प्लेस कॉल्ड इंटरलेकन। और ये जो स्ट्रीट पे मैं वॉक कर रहा हूँ, इस स्ट्रीट पे बॉलीवुड की काफी मशहूर फिल्में शूट हुई है। फ्लावर लेके, हाँ, शाहरुख खान जब काजल को फूल देकर यूं जब पानी निकल आता है, ये उसी स्ट्रीट में हुआ है। ये जो झरना है यहाँ के पास, इस झरने के, और इसी स्ट्रीट में और भी काफी सारे फिल्म शूट हुए हैं। हीरो नंबर वन, चोरी चोरी चुपके चुपके, तो काफी सारे शूट हुआ है। और इसके साथ ही देखो ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ माउंटेन्स का, गाना वाना सारा कुछ। ये देखो वही फाउंटेन है, वही फाउंटेन है। कम ऑन टेक अ पिक्चर, सम पिक्चर्स ओवर हियर। सो राइट नाउ हम लोग जा रहे हैं एक कैसीनो शाल कुरुसाल में, जो कि इंटरलेक में लोकेटेड है, और वो है और यहाँ है कुरुसाल, और इसमें कुरुक्षेत्र का शूटिंग हुआ है। Yes, so guys, स्ट्रीट को एक्सप्लोर करने के बाद अभी हम लोग आ गए हैं एक कैसीनो में, जिसका नाम है कैसीनो कुरुसाल, जिसमें एक बॉलीवुड फिल्म कॉल्ड कुरुक्षेत्र जिसकी शूटिंग हुई है यहाँ पे। सो कुरुक्षेत्र तो आपको याद ही होगा, जस्ट टेक ए लुक, हियर इट इज। मेरे बैकग्राउंड में है, ये है कुरुसाल, and I guess here is the famous director ka hai shayad ye, Yash Chopra ji ka, yes, and here is the famous Bollywood director Yash Chopra ji, unka ek chhota sa monument bana hua hai, 2012 mein he passed away, ambassador of Interlake, he is the ambassador of Interlake। आज यस जी के वजह से ही स्विट्जरलैंड में इंडियन इतने ज़्यादा आते हैं टूरिस्ट, आई गेस, मेरी हिसाब से, क्योंकि बॉलीवुड में उन्होंने अलग से ही स्विट्जरलैंड को दिखाया है, तो इंडिया से काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं। सो जस्ट टेक, यहाँ से निकलने का टाइम हो गया है, सो यहाँ से निकलते हैं, जस्ट टेक अ लास्ट लुक ऑफ कैसीनो कुरुसाल। यहाँ है यस जी, हियर इज कैसीनो कुरुसाल।
यहाँ से थोड़ा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है। पहले यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा होता था, पता नहीं इंटरलेकन लग के दिखा होता था। हाँ, और वो एग्जैक्टली इसी एरिया पे, इस एरिया में होता था। और वो जो माउंटेन दिख रहा है व्हाइट कलर का आप लोगों को, वो यूम्फ्रू माउंटेन है, लेकिन लास्ट 2 इयर्स उन्होंने निकाल दिया। 2 इयर्स पहले था ये। अच्छा, 2 साल पहले था ये। चलो निकलते हैं। सो इंटरलेक से हम लोग निकल चुके हैं। हम लोगों ने वहाँ काफी एक्सप्लोर किया। हम लोगों ने कैसीनो देखा जहाँ पे कुरुक्षेत्र का शूटिंग हुआ था। यस जी का जो मोनूमेंट है, जो स्टैचू है, कॉपर का बना, नहीं वो हाँ कॉपर का बना हुआ है, वो देखा। और अभी हम लोग ग्रिंडल वॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे ग्रिंडल वॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे फर्स्ट क्लिप है उसको एक्सप्लोर करने के लिए। और उसका जो डिस्टेंस है करीब करीब 29 किलोमीटर का है, और जिसको हम लोग कवर करेंगे नियर अबाउट 51 मिनट में। कल यहीं से आए थे, याद है? अच्छा, कल यहीं पे गया? वो जो सामने है उस साइड से हम उधर चले गए थे, ओला उधर बाउंड्री। अरे तो हम लोग कल के एक्सप्लोर करते, ये कर सकते थे कल। इंटरलेक्ट